वेलकम टू दिस सेशन। और आज कुछ प्रैक्टिकल वर्क मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। एक लेयर मैंने ले लिया है और यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है वो मैं क्रिएट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सबसे पहले बॉक्स ले लेते हैं गाइस। और हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो के लिंक को, और अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी डाउट्स हैं आपके, मुझे चैट बॉक्स पे आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो स्टे ट्यून ताकि जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। दिस सेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, सो सेशन एंड तक ज़रूर देखिएगा और कुछ स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले एक बॉक्स लिया, फिर मैंने एक अंदर में एक और बॉक्स ले लिया है, एंड इसे जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ। होल्ड ऑल्ट बटन फ्रॉम कीबोर्ड, इसका मैं सिलेक्शन करके कॉपी कर ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, एक शॉप में बना रहा हूँ, और कैसे हम लोग बनाएंगे, क्या तरीका होना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको जो है वो तरीका बताऊंगा। तो एक चीज़ है कि आप इसे क्रिएट करते हो, और एक चीज़ है कि जब कोई प्रोफेशनल क्रिएट करता है तो उसका जो तरीका होता है, तो वो मेथड आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए कि किस तरह से सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ऐसे डिज़ाइन को बनाने का। तो ये आपको इस सेशन पे मिलेगा समझने के लिए। चलिए, वैसे स्टूडेंट्स जो इलस्ट्रेटर के क्लासेस नहीं किए पहले, मतलब अगर आपको नहीं पता कैसे वर्क करता है देन सॉफ्टवेयर पे, देन आप मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो कि इलस्ट्रेटर का सारा जो वीडियोस है आप उसको सीरीज में देख लीजिएगा। कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। जेड से जूम टूल होता है और हम ड्रैग कर सकते हैं माउस से ताकि वो जूम इन करे। स्पेस बार यूज करके हैंड टूल का काम करते हैं, शिफ्ट करते हैं लेफ्ट राइट अप एंड डाउन। तो सबसे पहले एक जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम वायर फ्रेम क्रिएट करेंगे। एंड होल्ड ऑल्ट बटन वंस अगेन, और इसे मैं थोड़ा सा डाउन करूंगा। नीचे जो बॉर्डर होता है ना, तो वो बॉर्डर हम यहाँ से क्रिएट करेंगे ड्रैग करके। ठीक है, तो थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं, एंड चलिए इसे थोड़ा सा नीचे एंड सिलेक्शन करके इसका कॉपी कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, और जो भी लोग और हैं वो सब आ जाइए। जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए गाइज, आपका हर लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इस तरह के और सेशंस क्रिएट करने के लिए। सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। देखिए, राइट क्लिक करके हम लोग जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली फ्रंट फॉरवर्ड ये जो कंसेप्ट होता है मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन करा था। वंस अगेन हम कॉपी कर लेंगे थोड़ा सा नीचे का जो पार्ट है, जैसे विंडो में जो नीचे का जो सेक्शन होता है वो हम क्रिएट करेंगे, एक बेस यहाँ पे तैयार करेंगे। सो अगर आप एडिटिंग का काम करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कंट्रोल प्लस करके जूम इन करना होता है। जूम करके काम करेंगे तो सही तरीके से वो अरेंज हो जाएगा। इसका फिर से एक सिलेक्शन करके हम कॉपी कर लेंगे, सेलेक्ट एंड दोनों का चलिए सिलेक्शन कर लेते हैं। और जो है आप चाहे तो इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, चाहे तो दोनों का सिलेक्शन कर सकते हैं। विंडो अगर एक तरह है, सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे दोनों का सिलेक्शन करके। एंड चलिए, तो इसका सिलेक्शन करके डायरेक्ट मैं फिलहाल कॉपी कर ले रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया था। बट आप एक तरीका ये भी हो सकता है कि वन साइड में विंडो क्रिएट करो और इसी को डायरेक्ट कॉपी कर दो, यू कैन डू दैट ऑल्सो। यहाँ पे इसे फिर से कॉपी कर लेंगे। कंसेप्ट है कि ये ग्लास का होगा, ठीक है, तो विंडो में भी ग्लास होगा और ये डोर है इसमें भी ग्लास होगा। तो उसी रेक्टेंगल को क्रिएट हम जो किए हैं उसी को यूज़ फिर से कर लेंगे। हर बार हमें रेक्टेंगल क्रिएट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। और ये पेज में नीचे चला गया है तो अरेंज आपको करना पड़ेगा। फॉर दैट ऑब्जेक्ट में जाकर के अरेंज में आप जा सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको शॉर्टकट पता है यू कैन डू दैट ऑल्सो। तो कोई भी तरीका हो सकता है, बट आपको वो जो चीज़ चाहिए वो आप बनाओ। तो ओवरऑल हमारा बन गया। यहाँ पे कुछ राउंडेड कॉर्नर्स के लिए मैं हैंडल जो है वो राउंडेड कॉर्नर वाला लेके बना ले रहा हूँ। सेलेक्ट एंड फिल द कलर। ओके, आपको सिलेक्शन टूल में जाना है। अगर आप शॉर्टकट्स जानते हो तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको मैनुअल तरीका बता रहा हूँ बिकॉज सारे शॉर्टकट्स हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, बट आप शॉर्टकट्स यूज़ कीजिएगा। ऊपर में हम एक क्रिएट करेंगे बेस की तरह, रेक्टेंगल यूज़ करेंगे, एंड छोटा सा मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। एक पार्ट जो है नीचे वाला वो राउंडेड यहाँ पे होगा, और हमें पता है कि सर्कल राउंडेड करने के लिए, चलिए इसका दोनों का सिलेक्शन कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, और ये दोनों नोट्स को हम सर्कुलर बना देते हैं। अभी हमारा जो शेप है वो लगभग क्रिएट हो चुका है, और इसको हम कॉपी करेंगे अल्ट बटन को होल्ड करके और कंट्रोल डी करेंगे, तो कंट्रोल डी करके वो डुप्लीकेट क्रिएट कर देता है। ठीक है, लास्ट वाला अननेसेसरी डिलीट कर देंगे, ड्रैग करके सभी का सिलेक्शन कर लेंगे। एंड इसके बाद है सभी का जो अलाइनमेंट है, वो अलाइनमेंट हम सेट कर लेंगे कि वो सही तरीके से अलाइन है कि नहीं, है ना। अभी क्या है कि मुझे कलर अल्टरनेट डालना, बट कलर में फिलहाल मैं जा नहीं रहा हूँ। अल्टरनेट का सिलेक्शन करेंगे, आप ड्रैग करके सभी का सिलेक्शन करके स्विच कर सकते हैं, सभी में इफेक्ट डालना है डाल सकते हैं। बट अगर आपको रैंडमली, जैसे मुझे कलर फिल करना है, तो मैं रैंडमली कलर्स यहाँ पे फिल करूंगा,
बट फिलहाल जो है आप यहाँ तक समझ लो कि ये जो पार्ट है वो क्रिएट फर्स्ट में करना है एंड ओके तो यहाँ तक हम अरेंज कर लेंगे और यहाँ पे जो है एक छोटा सा ऊपर में रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे हमने रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है एंड थोड़ा सा साइज जो भी आपको अरेंज करना है अरेंज इट, स्केल कर लेंगे। जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है वो सही तरीके से यूज करना पड़ेगा ताकि आप उसे अच्छे से अरेंज कर पाए, तो अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना? ऊपर में एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो सभी चीजें हमने स्टेप बाय स्टेप करनी है ताकि जो भी चीज हम बनाना चाह रहे हैं वो सही तरीके से बन सके। तो यहाँ पे जो होता है शॉप होता है वहां पे ओपन और क्लोज होता है, अगर आपने गौर किया होगा तो। ये एक छोटा शॉप है, एक कार्टूनिक एक इन्वायरमेंट हम बनाएंगे, तो यहाँ पे इसमें ओपन और क्लोज जो लिखा रहता है वो रहेगा। तो इसमें हैंग करने के लिए हमें जो है वो धागा जो हैंग किया रहता है वो भी डालना पड़ेगा, और हम इसे जो है वो लाइन टूल से इजली बना सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसका जो स्ट्रोक कितना हेवी होगा वो भी अरेंज करते हैं, बट बिफोर दैट आपको पहले बना लेना है, ठीक है? उसके बाद आप जो है वो सिलेक्शन करके यहाँ पे इन दोनों का सिलेक्शन करके अरेंज कर लोगे, जो पोजिशन है उसको अच्छे से चेंज कर लोगे, और हम एक कील की तरह बनाएंगे जो उसको हैंग करेगा, राइट? तो यहाँ पे एलिप्स जो एक सर्कुलर बना देंगे और ब्लैक कलर फिल कर देंगे। देन आप जो है अच्छे से ये देख रहा है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, आगे पीछे थोड़ा सा लग रहा है, तो वो आप मैनुअल अरेंज कर लेंगे। आप थोड़ा सा उसे देख लीजिएगा कि कैसा पोजिशन जो है वो आप बना रहे हो, गॉट इट? तो यहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें फॉलो करनी है जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूँ। और जब भी कोई डिज़ाइन हम बनाते हैं इलस्ट्रेटर पे खास करके, तो ये एक वेक्टर आउटपुट आपका देता है और बड़ा इंटरेस्टिंग ये सॉफ्टवेयर है। अगर आप सही तरीके से सॉफ्टवेयर पे वर्क करना सीख जाओगे तो आपके लिए बहुत सारा जो है चीज़ बनाना आसान हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ वर्क्स हैं जो आपको ज़रूर बनाने चाहिए। वैसे प्लेलिस्ट पे मैंने और भी बना के रखे हैं, इन सभी सैम्पल्स को आपको देखना चाहिए और देख करके प्रैक्टिस करना चाहिए, बनाना ट्राई करना चाहिए। एंड वंस यू डू दैट देन डेफिनेटली आपका ये कंसेप्ट हो जाएगा। लोगो डिजाइनिंग की अगर हम बात करें, जो हम फर्दर कई सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, कुछ सेशंस में आपको और प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे लोगो डिजाइनिंग का जो कंसेप्ट है, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो पहले आपको ये सब जरूर बनाना चाहिए, ट्राई करना। वो चीज़ें मैंने बना दी जल्दी से क्योंकि बहुत ईजी सा कंसेप्ट था और मेरे पास था एक तो मैंने डाल दिया। चलो ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट कर गया था सेशन, कोई नहीं, अब कंटिन्यू है हमारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बेस हमने तैयार करा है उसे थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है गाइस? आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ, एम आई राइट और रॉन्ग? तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा आपको लग रहा है सेशन और चीज़ें कैसी लग रही हैं, और क्या आप सही तरीके से सभी चीज़ें समझ रहे हैं। तो पहले आपको पूरा सेशन देखना है, यानी क्या तरीका होता है जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, पहले वायर फ्रेम बनाते हैं, ओवरऑल डिज़ाइन क्या होगा ये आपको समझना है। यहाँ पे राउंडेड हम कर दे रहे हैं। राउंडेड करने का एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के एजेस जो है ना, यानी जो कॉर्नर्स, उसको सिलेक्ट करके डायरेक्ट कर लो, ये सबसे अच्छा तरीका है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे कलर हम फिल करेंगे और ग्रे जो कलर है इसके शेड्स को हम यूज करने वाले हैं। कॉपी भी एक कर लेंगे, जैसे इसका कॉपी बना के एक शेड क्रिएट करेंगे, अल्ट होल्ड करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ थोड़ा सा व्हाइट कर लेते हैं। स्ट्रोक्स जो ऐसे हम हटा देंगे, फर्दर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए स्ट्रोक्स को नन कर देंगे एंड थोड़ा सा और ये व्हाइट विड्थ जो है इसका वो अच्छे से थोड़ा सा और बढ़ा दे रहे हैं, है ना? तो आपको वो सभी चीज़ें फॉलो करनी है। अलाइन करेंगे, थोड़ा सा सेंटर कर लेंगे, बिकॉज अलाइनमेंट सही नहीं रहेगा तो शेप जो है वो अच्छे से नहीं आएगा। तो 2D सॉफ्टवेयर पे भी आप 3D शेप्स बना सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ शेडिंग्स पे डिपेंड करता है कैसा आप शेड्स अच्छे से प्लेस करते हो। ओके, तो आप जैसे नीचे थोड़ा सा ज़्यादा है वहाँ पे भी ध्यान से देख लोगे, तो थोड़ा आप जूम करके बार बार चेक कर लोगे कि आपको जो चाहिए उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं हो रहा। गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नाउ अब फिल करने का काम करते हैं। जैसे कि बेस में कलर है वो डिफॉल्ट कलर है हम पिक कर लेंगे, स्ट्रोक जो है इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। चलिए यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे, आई प्रेस करके भी कर सकते हैं आप, दोनों बेस एक जैसा होगा। अंदर का जो कलर वो भी हम यही रखेंगे, थोड़ा सा कलर में सिर्फ डिफरेंस लाएंगे। ओके, क्या कलर होना चाहिए आप ट्राई कर लोगे, जैसे स्काई कलर हम फिल कर रहे हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि ग्लास जो है वो इस कलर का होता है और
इसमें थोड़ा सा जो रिफ्लेक्शन है वो भी हमें बनाना पड़ेगा, बिकॉज ग्लास में भी रिफ्लेक्शन होता है. सेलेक्ट आई ड्रॉपर टूल एंड आई ड्रॉपर टूल क्लिक. यहाँ बेस का सिलेक्शन कलर चेंज करेंगे, समथिंग लाइक ये वाला ठीक रहेगा, या फिर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं. ये मैं ले ले रहा हूँ, फोरग्राउंड कलर है, थोड़ा सा शेड्स चेंज कर देते हैं. तो एक कलर और एक आउटलाइन, ये दो ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल रहा था, ठीक है. और यहाँ पे जो रैंडम है इनका सिलेक्शन हम करेंगे. थोड़ा सा आपको बस देखना पड़ेगा कि क्या आपको चाहिए. गॉट इट, सिलेक्शन कर लेंगे. एंड टोटल का स्ट्रोक थोड़ा सा हेवी कर दे रहे हैं हम, लाइक जो बाकी सब थे इनका भी 3 कर दे रहे हैं. सेलेक्ट आईड्रॉपर टूल और सेम चाहिए तो वो उसको एग्जैक्टली कॉपी कर लेगा. नाउ वंस अगेन हम फिर से इसमें भी जो है वो सेम कलर यूज़ करेंगे. एंड आप जो बेस है इसका सिलेक्शन करेंगे, इसमें भी कलर जो है वो यही वाला रख लेते हैं, ताकि वो कलर कॉम्बिनेशन एक बढ़िया सा फिट हो पाए. बहुत ज़्यादा रैंडमली कलर्स नहीं चूज़ करेंगे, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं इसी का शेड्स. डबल क्लिक एंड चेंज द शेड्स ऑफ द कलर. नाउ क्लिक ऑन ओके बटन. ठीक है, तो आपको भी इसी तरीके से चेंज करना है, और जो प्रोसेस है उसे समझना है कि कैसे ये बनता है, तरीका क्या है, यानी क्या प्रोसेस है इसे सही तरीके से बनाने का. गॉट इट, तो शिफ्ट बटन को होल्ड करके हम इसे आसानी से जो हैंड टूल यूज कर सकते हैं. एक कलर मैंने फिल कर दिया, ऑल्टरनेट अब सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे. ओके, सेलेक्ट ऑल, थोड़ा सा जीरो कर दे रहे हम. वंस अगेन फिल कर लेंगे सेम कलर्स को. दो कलर्स अब लेके हमें चलना है, ऑल्टरनेट का सीरीज हमारा होगा. तो वंस अगेन यहाँ पे ग्रे होगा, तो शिफ्ट होल्ड करके ऑल्टरनेट जैसे हम क्लिक करेंगे, ताकि जो ऑल्टरनेट में जो है शेप हमारा वो सेलेक्ट हो जाए. एंड आई ड्रॉप अ टूल एंड क्लिक, एज सिंपल एज दैट. तो आप इस तरीके से कर सकते हो. यहाँ जो बच गए ब्लैक वाले, इन सभी का शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्शन करना है, देन आई ड्रॉप अ टूल एंड क्लिक. तो इसका कलर भी हमने चेंज कर दिया. अब ऊपर का जो डिज़ाइन है उसमें आप चाहो तो कोई डिज़ाइन बना सकते हो. उसे स्ट्रोक में ले लेता हूँ, ठीक सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो आपको भी अरेंज करना है. देखो जब हम सीखते हैं तो आराम से काम करेंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं डिटेल में ही चीज़ें बता रहा हूँ. बट जब मैं काम करना स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो उस केस में हम फास्ट काम करेंगे. बट अभी चूंकि आप जो है वो कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसकी वजह से मैं इन्हें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होगा, जस्ट बिकॉज कि हम लोग आराम से चीज़ों को सीख रहे हैं. गॉट इट, इसके बाद आप जो है बार बार हैंड टूल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, क्योंकि आप जो है उसकी बारीकी को समझ सकें. सेलेक्ट और ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेंगे ग्रीन कलर. एंड आप इसका शेड्स भी बना सकते हैं, चूज़ कर लीजिए कैसा चाहिए. एंड यहाँ पे भी जो है 5 स्ट्रोक रखना सही रहेगा, थोड़ा हेवी लगेगा, 3 थोड़ा कम हो जा रहा था. देन आप देख लो कि आपको क्या चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. गमले का कलर जो है वो चेंज कर लेंगे, ऑब्वियसली जो कलर्स उसमें डिफरेंस रखेंगे तभी जा करके वो अच्छे से दिखेगा हमें, है ना, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है. अभी कुछ और चेंजेस करने. देखो ये रियल टाइम कोई घर नहीं है, ना कोई डुप्लेक्स है, ये एक कार्टूनिक घर है. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप डिज़ाइन बना रहे हो तो आप रियल टाइम बना रहे हो कि कार्टूनिक बना रहे हो, है ना. कुछ रियल टाइम एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, कुछ कार्टूनिक का भी एग्जाम्पल्स दिए हैं. आप प्लेलिस्ट पे जाके फर्दर बाद में देख लीजिएगा, या फिर मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पे एक मैं शेड्स बनाना चाह रहा हूँ, लाइक ऊपर का जो फ्रेम है वो कंटिन्यू करेगा नीचे की फ्रेम की तरफ. दो तरीका हो सकता है. जो फर्स्ट प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वन बाई वन करके या तो यहाँ से अरेंज कर लो, ड्रैग करके सेम टू सेम बना लोगे, फिर ऊपर में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एंड इन दोनों का सिलेक्शन ड्रैग करके नहीं करोगे, क्योंकि ड्रैग करके करने से क्या होगा, नीचे का जो बेस है इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा. शिफ्ट बटन होल्ड करके हम लोग एरो की मदद से इसका जो पोजिशन है वो चेंज करेंगे. बट व्हाट आई सजेस्ट यू कि ऑलवेज जो है ना सबसे पहले सेंटर वाले को बना लेना, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो टिल्ट होंगे. बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होता है. तो आप क्या करोगे, जूम आउट करके अच्छे से पहले ये देख लोगे कि बीच में कौन आता है, देन आफ्टर आप जो है वो सही तरीके से कर पाओगे. तो टोटल नंबर ऑफ जो डिज़ाइन है नीचे वाला जो सर्कल है, नॉट सर्कल एग्जैक्टली, वो जो हाफ वाला है, ठीक है, ये जो है इसे काउंट कर लोगे कि कितने हैं, 13 है राइट. तो बीच में वाले को हम रखेंगे, या फिर आप लेफ्ट साइड से 7 रख दो, बीच वाले को रखेंगे, एग्जैक्टली बीच में है. और बीच वाला जो है इसका पोजिशन तो फिक्स रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है वो बाकी सभी में चेंजेस होंगे. तो सबसे पहले बीच वाले को हम अरेंज कर लेते हैं. और देखो ये चीज़ ऐसा है ना कि इसमें जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड करते हो डिज़ाइन पे उतना बढ़िया से खिल के आता है.
एंड आपको क्या करना है, आपको जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी चलना है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना, बट हाँ जो समय लगता है वो आपको देना पड़ेगा। चलिए तो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका सिलेक्शन कर ले रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, वंस यू क्लिक ऑन दैट। इसके बाद जो है यहाँ पे शेड्स जो बनेगा, मतलब कि यहाँ का शेड, उसका जो कलर है येलो कलर का, यानी जो सिलेक्टेड नीचे बैकग्राउंड का कलर है, नीचे वाले शेप का कलर है, उसी को रखेंगे। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी टू ड्यूप्लीकेट। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक कॉपी कर दे रहा हूँ, नाउ कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे तो काफ़ी आसानी से जो है वो शेप्स आसानी से आ जाएगा, कंट्रोल डी। एंड यहाँ पे क्या करना है आपको, बस थोड़ा सा काम करना है, थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, एंड वंस यू अरेंज तो फिर काफ़ी इजी हो जाएगा। अब एक तरीका है कि सिर्फ हम लोग एक नोड का सिलेक्शन करके रख लें, बट मैं थोड़ा सा अलग आपको करके बता रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग करते हैं और आपको क्या करना है। तो आप सिलेक्शन सही तरीके से करोगे, आप यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप चाहते तो डायरेक्ट भी एक का कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं होती। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अगर आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही तो मुझे बताइए कमेंट करके, और साथ ही साथ कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सेशंस हमारे कैसे लग रहे हैं, क्या आपको ये सेशन जो है वो समझ में आ रहा है, तो वो चीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस। जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं दोगे, जब तक आप मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे समझ में कैसे आएगा। तो अगर आप मेरे साथ अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो आपको जो भी कंटेंट, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, मैं आपको वो सारे कंटेंट्स देने का कोशिश करूँगा, लाइव सेशंस देने का कोशिश करूँगा, और रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ताकि हमें ये पता चले कि जो हम कंटेंट आपके लिए तैयार कर रहे हैं वो आपके नीड के अकॉर्डिंग है। तो आप कभी भी इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा और दबा के लाइक कर दीजिए। सभी का जो पोजीशन है ना, थोड़ा सा मैं एरो की मदद से जो है वो सिलेक्शन करके चेंजेस कर रहा हूँ, ताकि जो नीड है वो अच्छे से हो सके। गॉट इट? जो अंदर का जो नोड है उसको भी आपको कंट्रोल यहाँ पे करना पड़ेगा। लेयर्स जो है वो कैसे वर्क करते हैं आपको तो ज़रूर पता होगा, बट अगर लेयर का कंसेप्ट आपका अच्छा नहीं है तो फिर आप मुझे बता सकते हैं, मैं लेयर को एक सेपरेट सेक्शन में अच्छे से जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगा, ताकि आप जो है वो अच्छे से इसे समझ सकें। देखो, क्या आप चाह रहे हो अपने डिज़ाइन में चेंज करना, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो कैसा लगने वाला है। सो आपको क्या करना है, ट्राई करना है। ऐसा नहीं होता कि अगर हम लोग भी कभी भी, कोई भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर जब फर्स्ट टाइम डिज़ाइन करता है, या फिर अब बहुत दिनों के बाद भी डिज़ाइन करता है, तो हो सकता है कि आप एक बार डिज़ाइन कर रहे हो फिर भी आपको कुछ चेंजेस करनी पड़े, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपने जैसे पहले कुछ सोच लिया कि आपको क्या बनाना है, बट लेटर ऑन क्या होता है कि हम लोग कुछ चेंजेस जो है वो बाद में भी चाहते हैं, बिकॉज बनाते बनाते हमारे दिमाग में कुछ नया आइडिया आ जाता है। तो जो भी अपडेट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स रूल कि आपने जो पहले सोच लिया आपको वही बनाना है। ओवरऑल जो है वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अगर वो दिखेगा अच्छा नहीं तो फिर वो डिज़ाइन किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो डिज़ाइन इंफॉर्मेटिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। तो ये सारे जो डिज़ाइन है, हो सकता है कि नहीं स्टूडेंट्स को लगे कि मुझे क्या ज़रूरत है घर बनाने की या फिर ये शॉप बनाने की, बट आपको ज़रूरत है, बिकॉज आप सिर्फ किसी एक शेप को लेकर के या कोई एक डिज़ाइन को लेकर के मत देखो, आप ये देखो कि आप जो है इसको अटेंड करने के बाद या इसको बनाने के बाद आपकी क्वालिटी बढ़ रही है कि नहीं। क्योंकि अगर आप इस चीज़ के साथ फेमिलियर हो जाते हैं तो फर्दर आपके पास जब डिज़ाइन किसी भी तरह के आएंगे तो यू कैन डू दैट ऑल्सो। और आज के डेट पे कई सारे जो वेबसाइट के वर्क आते हैं, जहाँ पे आपको इस तरह का कुछ मैनुअल क्रिएट करना पड़ता है, और साथ ही साथ अगर आप जो ऑफलाइन वर्क जो है वहाँ पे भी जो है इसे यूज़ करते हैं। सो गाइज, आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको कंटिन्यू ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। सिलेक्शन करेंगे, एरो की जो है वो बेस्ट टूल है आपके पास, आप आसानी से जो है उसको यूज़ करिए। सिर्फ माउस से वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर पेन टेबलेट से, कभी कभी एरो की जो है उनके बीच के गैप्स को अच्छे से सेट कर देता है। तो आपको भी सभी चीज़ें, सभी टूल्स को अच्छे तरीके से यूज़ करनी है जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, ताकि आप वर्क को सही तरीके से सही समय पे कर सको। चलिए, तो इनका सिलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, एंड आपको लगता है तो आप इसके नोट्स को जो है वो थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हो, बिकॉज वो थोड़ा सा तो टिल्ट होगा, है ना, तो आपको भी टिल्ट यहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो रिमेंबर दैट। ओके, चलिए, ऊपर का जो है हमारा जो है वो एक बैलेंस करके रखा है, तो डिज़ाइन में आपको वो भी लेके चलना है, जो सीलिंग का पार्ट है ऊपर का, जो रूफ छत है वो, तो वहाँ पे जो है एक हाइलाइटर जो है वो उस चीज़ को जो है प्रोमिनेंट दिखा रहा है। गैप्स थोड़े कम थोड़े ज़्यादा हैं,
तो आपको थोड़ा सा वर्क करना है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये अनवांटेड सेशन फालतू में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो, तो ओवरऑल जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर वैसे भी आपको डिज़ाइन बनाना है, तो इस डिज़ाइन पर जितना ज़्यादा आप समय दोगे उतना ज़्यादा परफेक्शन आपके साथ आएगा। तो आपको जो है वो नोड कंट्रोल करना है फ्रॉम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे एंड यहाँ पे जो नोड एक्स्ट्रा जो बाहर चला गया उसको भी हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज़ें अप्लाई करनी है और सभी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है, और सेशन जो है इसको इम्पॉर्टेंट समझते हुए इसको जो है वो फॉलो करना है, बिकॉज आपको ये सभी चीज़ें सीखनी है। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम हर चीज़ बना सकते हैं, बट हम जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जाके अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो किसी रेफरेंस की या किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर दैट रीज़न आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस देखने हैं, किसका सेशन चाहिए, किस कोर्स से रिलेटेड, कहाँ पे आपको क्या टूल का टॉपिक का प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा अपकमिंग डेज में मैं वो आपको प्रोवाइड कर सकूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी 150+ वीडियोज बना के रखे हैं, सो गो टू प्लेलिस्ट एंड आप उन सभी वीडियोज को अच्छे से देखिए ताकि उनका मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सके। सो ओवरऑल जो हमारा जो डिज़ाइन है इज फाइनल। वैसे करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बट आई होप आपको इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि इसको बनाते कैसे हैं। एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे, देन आपका जो काम है वो हो गया एंड आप इसे बनाओगे। ठीक है, तो आप बना के मुझे बताइए कि ये जो डिज़ाइन है क्या आपसे बन रहा है। आई होप आप सभी से बन जाएगा। तो आपको बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना है अपने तरफ से ताकि मैक्सिमम जो रिजल्ट है वो आप टारगेट करके अचीव कर सको। एंड ये जो वर्क है आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है, सो आपको हमेशा जो है वो काम करते रहना है। ठीक है, आपको हमेशा खुद पे काम करना है और जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना है, सॉफ्टवेयर के नॉलेज को इन्हेंस करना है। सो वर्क ऑन दैट, कंटिन्यू वर्क करते रहेंगे। जूम आउट करेंगे और सिलेक्शन कर लेना है इनका। कलर कैसा आप रखना चाहते हो, एक बार आपने सभी जो शेप्स हैं इन्हें अच्छे से अरेंज कर दिया है, देन आप जूम आउट करके एक बार देख लोगे कि क्या क्या चेंजेस होने चाहिए या क्या क्या चीज़ें जो आपको ऐड करनी है। थोड़ा सा डिटेलिंग का काम हम करेंगे, थोड़ा सा इसे स्केल कर लेते हैं एंड ओवरऑल बहुत ही सही लग रहा है। कुछ अगर हम शॉप इस तरह का बनाएं तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें थोड़ा डिटेल ऐड करनी है, जैसे कि ये जो हमारा जो प्लांट है इस पे सेम कलर का थोड़ा शेड ऐसे चेंज कर लेंगे और जो कॉर्नर्स है वो थोड़ा सा राउंडेड कर देंगे ऑब्वियसली। तो ये चीज़ इसलिए हो रहा है कि थोड़ा हम लोग जूम करके काम करेंगे, शेप्स काफ़ी छोटा है। गॉट इट, तो हम क्या कर रहे हैं सिलेक्शन कर ले रहे हैं। तो जब शेप बहुत छोटा है तो नोड डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं होते तो बार बार रोटेट हो जाता है, तो आपको ये क्या करना है ये चेंज कर लेना है। जैसे एक ट्री है तो, या छोटा सा एक प्लांट, नॉट ट्री, छोटा सा एक प्लांट है तो उस प्लांट को जो है हम अच्छे से अरेंज कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो आपको सभी चीज़ें समझनी है कि कैसे और क्या क्या चीज़ें हम डाल सकते हैं ताकि जो हमारा डिज़ाइन है ओवरऑल वो अच्छा लगे। बहुत छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो एक डिज़ाइन को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती है, सो रिमेंबर दैट। ठीक है, हमेशा ध्यान इस चीज़ का रखोगे कि अपने डिज़ाइन में आप कितना डिटेलिंग डाल सकते हो, और जितना ज़्यादा डिटेलिंग्स होगा ऑब्वियसली वो जो है, और इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे ये जो गमला है यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे ब्रिक डाल देंगे, तो यहाँ पे भी सिलेक्शन जो है सेम शेड का डार्कर शेड होगा, नोड का सिलेक्शन कर लेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से, फिर एरो की मदद से हम इसे सेट कर लेंगे कॉपी शिफ्ट होल्ड करके, और इसे भी थोड़ा सा स्केल करके कम कर लेते हैं, नोड को चेंज कर लेंगे। गॉट इट, एक और कॉपी इसका बनता है, एक और कॉपी कर लेंगे ताकि वो एक जैसा लगे। चलिए यहाँ पे इसे सेट कर लेता हूँ थोड़ा नीचे एंड थोड़ा ऊपर, अल्ट होल्ड करके कॉपी कर लिया हमने, और आप देख लो कि वो सही लग रहा है कि नहीं। जूम आउट करके चेक कर लो, सेलेक्ट ऑल, गो टू ऑब्जेक्ट, क्रिएट ग्रुप। तो ग्रुप में हमने जो है वो उसे सेट कर लिया। एक रेक्टेंगल हम लेंगे और ग्लास का रिफ्लेक्शन क्रिएट करेंगे। वैसे तो आप पेन टूल से भी बना सकते हो, बट फिलहाल अभी इस शेप में कहीं पे भी पेन टूल मैंने यूज़ नहीं करा है। पेन टूल यूज़ करके और भी बहुत डिटेलिंग आप कर सकते हो। तो आपको मैं सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, मतलब रेक्टेंगल वगैरह, इसी सबसे बेसिक शेप से ही जो है वो डिज़ाइन कंप्लीट बना के आपको दिखाया है। और पेन टूल जो है वो तो बहुत ही ऑसम टूल है, और डिज़ाइनिंग में अगर आप कुछ भी बनाना चाहते हो तो आपको पेन टूल, अगर आपको हाथ बैठा हुआ है उस पर, तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया तरीके से आप काम कर सकते हो। तो इसका रोटेशन करना है, अच्छे से आप प्लेस कर लोगे, आप देख लो थोड़ा जूम करके। और यहाँ से मैं इसका नोड का सिलेक्शन कर ले रहा हूँ फ्रॉम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अगर स्टेप थोड़ा इधर उधर हो जाए, कंट्रोल जेड मैं प्रेस कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड फॉर अंडू, ताकि एक स्टेप बैकवर्ड हो जाए। तो जल्दी जल्दी मैं थोड़ा फास्ट हाथ चला रहा हूँ ताकि जो है वो आपको समझ में आ सके।
और यहाँ पे कुछ अंदर में शेप है जो कि ग्लास के अंदर में है, वो चीज़ें हमें दिखानी है। तो इसी का एक डार्कर शेड्स हम ले लेंगे, इसे मैं राउंडेड कर दे रहा हूँ यहाँ से, नोट का सिलेक्शन करके कॉपी कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा स्केल थोड़ा करिए कॉपी, ठीक है कॉपी कर लिए। एक बीच में भी जो है अगर आपको कुछ रखना है तो उसका भी बीच में आप डाल सकते हैं। स्केल करके थोड़ा छोटा थोड़ा रेंज हम कर लेंगे, एक जैसा कॉन्स्टेंट नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं कि सभी एक जैसा लगे, थोड़ा थोड़ा बदलाव कर लेंगे, है ना। और यहाँ पे इसको राउंडेड कर लेते हैं, तो आप इस तरीके से जो है वो प्रॉपर अच्छे से सेट कर लोगे। देन डेफिनेटली वो जो डिज़ाइन है वो ये पता चलेगा कि ग्लास जब है रिफ्लेक्टिव है और ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अंदर में भी कुछ है वहाँ पे। इसीलिए हमने डिटेल ज़्यादा नहीं दिया है, बट हमने क्या करा, शेप जो ओवरऑल है वो कुछ इस तरह का बनाने की कोशिश की है, क्योंकि एक शॉप है ना, तो शॉप में अगर ग्लास है तो अंदर में कुछ तो होगा, तभी वो दिखता है। अरेंजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अरेंज कर लोगे अच्छे से। और इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम मैं कर ले रहा हूँ, बिकॉज ग्लास का रिफ्लेक्शन है तो 100% कलर तो होगा नहीं, रिफ्लेक्शन लेस देन 100% पे ही क्रिएट होता है। तो जिस भी शेप में जितना चाहो उतना डिज़ाइन आप दे सकते हो, उतना डिटेलिंग दे सकते हो, और उससे जो ओवरऑल जो जो हमारा लुक है वो चेंज हो जाएगा। नाउ टाइम फॉर ट्रिक, क्या ट्रिक और क्या टिप्स मैं आपको दूंगा। देन आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि जो भी डिज़ाइन आप बनाते हो ना, सिर्फ डिज़ाइन बनाने पे फोकस मत करो। एक बार आपने डिज़ाइन का सबसे पहले लेआउट बनाना है, द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज जस्ट अज्यूम कि क्या आपका जो लेआउट है क्या होगा। सो मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ, पेपर पे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, बनाना कुछ चाहते बन कुछ जाता है, तो बेस्ट है कि आप पहले एक बार पेपर पे रफली बना लो, फ्रॉम पेन और पेंसिल व्हाटएवर, एक रफ स्केच बना लेंगे, देन आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आपने कलर मेथड को समझना है, कलर थ्योरी को समझना है, तो आप क्या कर सकते हो, बढ़िया अच्छा कलर जो है उसका सिलेक्शन कर सकते हो। एंड इफ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ कलर्स एंड व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द कलर, देन आप प्लेलिस्ट पे जाओ, आप वहाँ पे एक मेरा वीडियो प्रॉपर देख सकते हो। मैंने एक लाइव सेशन लिया था जो कि कलर थ्योरी से रिलेटेड है, तो वो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, देन डेफिनेटली आपको वो आइडिया आ जाएगा, क्योंकि कलर कंट्रास्ट कलर कॉम्बिनेशन ये बहुत ज़रूरी है समझना। कॉपी करेंगे कॉन्स्टेंटली, और जैसे कि कार्टूनिक हम घर बना रहे हैं तो घर है ना वो बहुत यूनिफॉर्म नहीं होगा, थोड़ा सा अनयूनिफॉर्म आप बनाओगे घर, एकदम से एकदम नेचुरल टाइप का बनाने की कोशिश नहीं करोगे अगर वो कार्टूनिक है। तो कलर का भी सिलेक्शन आपको थोड़ा कार्टूनिक टाइप का रखना है, ठीक है। डिज़ाइन आपका वो भी थोड़ा कार्टूनिक टाइप का होगा। अगर आप इस प्लांट को देखोगे तो प्लांट नेचुरल की तरह तो नहीं है, कार्टूनिक की तरह है ना, तो थोड़ा सा ये डिफरेंसेस होता है। यहाँ पे मैं क्लाउड बना ले रहा हूँ, और क्लाउड बनाने के लिए मल्टीपल शेप्स बना करके हम लोग जो है पाथ फाइंडर की मदद से उसका कट कर लेंगे। तो आप ये सभी जो टूल्स हैं इसे अच्छे से यूज़ करो, पहले हम मर्ज कर लेंगे, एंड फॉर दैट गो टू थोड़ा सा अरेंजमेंट वगैरह कर लेंगे पाथ करके। जो है यहाँ पे आई थिंक ना 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 आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगा, चलिए यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ से तो मिल ही जाता है, ऊपर में भी आपको मिल जाएगा। तो आप सिलेक्शन कर लेते हैं, एक और हम शेप बना लिए और इसका इसको ना माइनस कर देंगे, तो आपका ये सिर्फ जो शेप है जो बनाना चाह रहे थे वही बन गया, और क्लाउड हम क्रिएट कर रहे हैं। और चूंकि कार्टून है तो कार्टूनिक क्लाउड हो जाएगा, थोड़ा सा स्केल करके बड़ा छोटा हम कर लेंगे, अरेंज हमें जैसे करना है। एक और रेक्टेंगल लेके ओवरऑल शेप ड्रॉ करेंगे, इसमें कलर फिल कर लेते हैं, एक बेस जो कलर है। और एक बार आपने सही से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, आपको जो भी आप वर्क बनाते हो ना गाइज, आपको वो फाइनलाइज करना है। जैसे किसी प्रोडक्ट को जब कंपनी बनाती है तो उसके पैकेजिंग पे भी कंपनी ध्यान देती है, वाई, बिकॉज अगर वो पैकेजिंग अच्छा नहीं करेगी तो कस्टमर को कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो द इम्पॉर्टेंट टिप फ्रॉम माई साइड इज़ कि बहुत सारे डिज़ाइनर होते हैं, वो वर्क तो अच्छा करते हैं बट उसको शोकेस अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको अपने वर्क को शोकेस करना है। जैसे किसी मॉल में जब आप जाते हो कुछ परचेज करने के लिए, तो आप किस प्रोडक्ट को चूज़ करते हो, जो आपको अच्छा दिखता है प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से एज अ डिज़ाइनर आपको अपने डिज़ाइन को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत हमेशा होती है। और सभी चीज़ें हमने सेट कर लिए, वन थिंग इज मिसिंग इज़ कि यहाँ पे जो कलर है वो एग्जैक्टली सेम होगा। सो हम यहाँ से फिर से एक बार अनग्रुप कर लेंगे, और ये जो पार्ट है इसका सिलेक्शन करेंगे, होल्ड शिफ्ट बटन, एंड चूंकि हमें ऑल्टरनेट पे चाहिए, देन हम ऑल्टरनेट का सिलेक्शन करेंगे एंड यूज़ आई ड्रॉपर टूल एंड पिक दिस कलर, ठीक है। तो ये जो शेड्स है वो अच्छे से जो है वहाँ पे भी आ गया है। सो ये कंप्लीट जो डिज़ाइन है हमारा रेडी हो चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो कई सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी बना दी हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।